हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों और खुश हों। देखिए, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी समर स्पेशल पोशाक बनाएंगे। आप देख सकते हैं इस ड्रेस का लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये बिल्कुल न्यू डिज़ाइन की ड्रेस है जो कि कान्हा जी को बनाकर पहनाना बहुत आसान है। देखिए, कान्हा जी के गले में हमें इस तरीके से इस पट्टी को डालना है, फिर हमने ये दोनों तरफ से डोरी लगाई हुई है, इसको पीछे से हमें बांध देना है, फिर इस ड्रेस का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना बताया है। इसके साथ ही साथ मैंने सभी नंबर के कान्हा जी के लिए मेजरमेंट भी बताया है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप बहुत आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है adicultural world 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए मैंने सबसे पहले, देखिए, ग्रीन कलर के रेयॉन के फैब्रिक में से एक पीस कट कर लिया है। आप देख सकते हैं इसका कलर और प्रिंट दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रहा है। ग्रीन कलर के फैब्रिक पे मल्टी कलर से प्रिंट्स बने हुए हैं जो कि इस ड्रेस को और भी ज़्यादा सुंदर बनाएंगे। मैंने रेयॉन का फैब्रिक यूज़ किया है क्योंकि ये बहुत मुलायम होता है और कान्हा जी के लिए गर्मियों में बहुत आरामदायक भी होता है। अगर आप चाहें तो रेयॉन की जगह पर कॉटन का फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके पास जो भी कपड़ा हो उसे आप बहुत आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। कपड़े की यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लंबाई है वो हमने 11 इंचेस यानी कि 11 इंच रखी है, और इसकी जो चौड़ाई है वो हमने 5.5 इंच यानी कि 5.5 इंच रखी है। ये मेजरमेंट हमने 7 नंबर के कान्हा जी के लिए रखा है। तो 0 से लेकर के 10 नंबर तक के कान्हा जी के लिए सबसे पहले मैं आपको कपड़े की लंबाई का मेजरमेंट बता देती हूँ। 0 नंबर के कान्हा जी के लिए कपड़े की जो टोटल लंबाई होगी वो हमें 4 इंच यानी कि 4 इंच रखनी है। 1 नंबर के लिए 5, 2 नंबर के लिए 6, 3 नंबर के लिए 7, 4 नंबर के लिए 8, 5 नंबर के लिए 9, 6 नंबर के लिए 10, 7 नंबर के लिए 11, 8 नंबर के लिए 12, 9 नंबर के लिए 13 और 10 नंबर के कान्हा जी के लिए कपड़े की यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लंबाई होगी वो हमें 14 इंच यानी कि 14 इंच रखनी है। अब 0 से लेकर के 10 नंबर तक के कान्हा जी के लिए मैं आपको कपड़े की चौड़ाई का मेजरमेंट बता देती हूँ। तो देखिए, 0 नंबर के कान्हा जी के लिए कपड़े की जो टोटल चौड़ाई होगी वो हमें 2 इंच यानी कि 2 इंच रखनी है। 1 नंबर के लिए 2.5, 2 नंबर के लिए 3, 3 नंबर के लिए 3.5, 4 नंबर के लिए 4, 5 नंबर के लिए 4.5, 6 नंबर के लिए 5, 7 नंबर के लिए 5.5, 8 नंबर के लिए 6, 9 नंबर के लिए 6.5 और 10 नंबर के कान्हा जी के लिए कपड़े की जो टोटल चौड़ाई होगी वो हमें 7 इंच यानी कि 7 इंच रखनी है। अब हमें कपड़े को पलटकर पीछे की तरफ से रखना है, और देखिए इसको डबल फोल्ड करना है। तो पहले हम एक बार इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे, फिर एक बार और फोल्ड कर लेंगे। ऐसे डबल फोल्ड करते हुए हमें इसको चारों तरफ से सिलाई लगानी है। चारों तरफ से डबल फोल्ड करके सिलाई लगाने के बाद अब देखिए, हमने ये रेड कलर की लेस ले ली है, इसको पॉम्पॉम लेस कहते हैं। आप देख सकते हैं ये कितनी सुंदर लेस है। ये जो हमने कपड़ा यूज़ किया है इसमें रेड कलर से भी प्रिंट्स हैं, तो इसीलिए मैंने रेड कलर की लेस यूज़ कर ली है। अगर आपके पास इसमें की लेस नहीं हो तो आप कोई भी दूसरी रेड कलर की लेस यूज कर सकते हैं, या फिर आप जिस कलर का फैब्रिक यूज कर रहे हैं उसे मैचिंग की लेस यूज कर लें। अब देखिए, हमें इसको इसके नीचे रखना है, ऊपर से हम ऐसे नहीं लगाएंगे इसको, यहां से ऐसे अंदर की तरफ हम ऐसे रखेंगे इस तरीके से, और सिलाई लगाकर इसको चारों तरफ से हमें ज्वाइंट कर लेना है। अब हमें देखिए इसको पलटकर पीछे की तरफ से रख लेना है, और हमने ये वाइट कलर की पतली वाली इलास्टिक ले ली है। अगर आपके पास इतनी पतली इलास्टिक नहीं हो तो जो 1/2 इंच चौड़ी इलास्टिक आती है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, जहाँ से हमने लेस लगाई है उसके नीचे हम इसको रखेंगे, लेस के ऊपर हमें इसको नहीं रखना है, नहीं तो ये बहुत चौड़ा हो जाएगा और इलास्टिक लगाने में प्रॉब्लम होगी और इसका लुक भी अच्छा नहीं आएगा। तो जहाँ से लेस ख़त्म हो रही है वहाँ पर पहले हम इलास्टिक को यहाँ पे सिलाई लगाकर लॉक कर लेंगे अच्छे से, फिर इलास्टिक को ऐसे टाइट करते हुए हमें खींचते जाना है और इसके ऊपर सिलाई लगाती जानी है। इसी तरीके से हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक इलास्टिक लगा लेनी है। उसके बाद हमें देखिए यहाँ से मेज़र करना है, और मेज़र करते हुए यहाँ 1.5 इंच पर यानी कि 1.5 इंच पर ऐसे मार्किंग कर लेनी है इस तरीके से।
हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि देखिए जहाँ से हमने ये लेस लगाई है वहाँ से हम इसको मेज़र कर रहे हैं, हमें बिल्कुल ऊपर से इसको मेज़र नहीं करना है, जहाँ से लेस ख़त्म हो रही है वहाँ से मेज़र करते हुए फिर हम 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। ऐसे ही हमने देखिए लास्ट तक 1.5 इंच पर मार्किंग कर लिया है। अब हम इसको मिला लेंगे आपस में एक लाइन खींचते हुए, और हमें फिर से ये वाली इलास्टिक लेनी है। इसको हम जैसे यहाँ पर लगाएंगे उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी यहाँ से यहाँ तक इलास्टिक लगा लेनी है। यही वाली ऊपर और नीचे दोनों तरफ से हमने देखिए इसमें इलास्टिक भी लगा लिया है। आप देख सकते हैं हमने बिल्कुल खींचते हुए और टाइट करके इलास्टिक लगाई है, जिसकी वजह से आगे से इसका लुक देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब हम पट्टी तैयार करेंगे। पट्टी तैयार करने के लिए मैंने ग्रीन कलर के फैब्रिक में से एक पीस कट कर लिया है। इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लंबाई है वो हमने 7.5 इंच यानी कि 7.5 इंच रखी है, और इसकी जो चौड़ाई है वो हमने 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच रखी है। देखिए हमें बहुत छोटी सी पट्टी नहीं बनानी है, थोड़ी बड़ी पट्टी हम बनाएंगे, जिससे कि कान्हा जी के गले में हम आसानी से उसको पहना सकें, कान्हा जी को पहनने में प्रॉब्लम नहीं हो। अब हमें इसको पलटकर पीछे की तरफ से रखना है। एक बार हम इसको ऊपर से फोल्ड कर लेंगे, फिर एक बार नीचे से फोल्ड कर लेंगे, फिर बीच में से हमें बिल्कुल बराबर करते हुए फोल्ड करना है। ऐसे एक के ऊपर एक हम रखेंगे और इस पर सिलाई लगाकर पट्टी तैयार कर लेंगे। पट्टी तैयार करने के बाद अब हमने फिर से ये रेड कलर की लेस ले ली है, जो कि हमने ड्रेस में भी लगाई थी। इसको हमें यहाँ नीचे से रखना है, पट्टी को ऊपर करके रखेंगे हम और यहाँ से यहाँ तक लेस लगा लेंगे। हमने लेस लगा लिया है, अब हमें इसको पलटकर पीछे की तरफ से रखना है, और यहाँ सेंटर से देखिए इसको एक बार हम ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर एक बार और ऐसे फोल्ड कर लेंगे। अब हम इसको इस तरीके से रखेंगे, और ये जो हमने ड्रेस बनाई थी तो देखिए इसको हम पहले सेंटर से ऐसे फोल्ड कर लेंगे, और यहाँ पे सेंटर है ना, तो इस तरीके से हमें सेंटर से यहाँ से इसको रखना है, बीचों बीच में हम रखेंगे। आप चाहें तो पहले ऐसे फोल्ड कर लें और यहाँ पर सेंटर जो है इस पर मार्किंग कर लें, जिससे कि आपको सेंटर पहचानने में आसानी रहेगी। यहाँ पे देखिए हमने पहले मार्किंग कर ली है, अब हम इसको यहाँ बीचों बीच में रखेंगे और ऐसे फैला कर देख लेंगे, क्योंकि हमने इलास्टिक लगाई है तो इसमें शिकन आई हुई है, तो इसको हम फैला के देखेंगे। और ये जो हमने सेंटर पर मार्किंग की है इसे 1 इंच इधर की तरफ हमें यहाँ पे इसको जॉइंट कर लेना है, फिर इधर की तरफ से हम फैलाएंगे, और ये जो हमने मार्किंग की है यहाँ से 1 इंच इधर की तरफ से दूसरी पट्टी हम जॉइंट कर लेंगे, इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगाकर हमें इसको जॉइंट कर लेना है। बीचों बीच से हमने देखिए इसको यहाँ पे जॉइंट कर लिया है। अब ड्रेस का लुक कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हमने ये गोल्डन कलर की डोरी ले ली है, अगर आपके पास इसमें की डोरी नहीं हो तो आप शॉर्टन रिबन भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर खुद से डोरी बनाकर भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ ऊपर की तरफ से ये दोनों डोरी हमें लगानी है, और बाकी ये जो दोनों डोरी है ना, तो जहाँ से हमने इलास्टिक लगाई है यहाँ पर सेंटर में हमें दोनों तरफ से ये दोनों डोरी भी लगा लेनी है। ऐसे हम इसको सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेंगे। डोरी लगाने के बाद अब ड्रेस कंप्लीट हो गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी समर स्पेशल ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है, और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।